आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को जाकर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, बंजारा हिल्स जहरा नगर इलाके में बंगारू तेलंगाना क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया था कल रात में, और लोगों की माने तो इस टूर्नामेंट को चलाने वाले टीआरएस लीडर और खैरताबाद इंचार्ज एम गोवर्धन रेड्डी है, जिसने 500 रुपए एंट्री फीस 25,000 रुपए विनर को रखा। इसी दौरान लॉयड्स नामी एक लड़का बॉलिंग करते वक्त अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत वाकई हो गई। डॉक्टरों की माने तो उसको दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत वाकई हो गई। वो नंदीनगर का रहने वाला। मामले में अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, न ही तो केस दर्ज की, और टूर्नामेंट भी चलता रहा। इससे अफसोस की बात क्या होगी, जिस पर जिम्मेदारी थी अवाम की खिदमत करना, अवाम के दुख और सुख को समझना, उनके परेशानियों के वक्त साथ आना, यही काम है लीडर का। लेकिन खेल को रुकाने की बजाय वो कंटिन्यू रखे और उस नौजवान की मौत पर कोई अफसोस नहीं। ये है हमारा बंगारू तेलंगाना, ये बनेगा अब सुनहरा तेलंगाना। वाह केसीआर, वाह गोवर्धन। बहरहाल एक नौजवान की मौत, इस तरह की खामोशी, देखना है हुकूमत तेलंगाना इनके घर वालों को किस तरह की सहूलत देती है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज।